दोस्तों हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं और एक बार फिर हमारे जीवन से जुड़ी सच्ची घटनाओं को लेकर मैं आपके सामने सत्यनारायण व्यास जी के साथ आज हम चर्चा करेंगे और उनके जीवन की कुछ खास बातों को जानेंगे। कैसे 38 साल परमाणु ऊर्जा विभाग में काम किया, उन्होंने अपना बेस्ट दिया और उसके बाद रंगमंच जैसी विधा में वो आए, लोगों को जोड़ा और आज भी जोड़ रहे हैं। कई नाटक उनके सानिध्य में आज तक मंचित हो चुके हैं और युवाओं को मंच देने का सराहनीय कार्य जो वो आज भी कर रहे हैं। इन सब से जुड़ी हुई कुछ खास और दिलचस्प बातें आज हम खुद जानेंगे सत्यनारायण व्यास जी से। धन्यवाद प्रीति, नमस्कार आपको और जो भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। मित्रों, में पिछले 38 वर्षों से परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक रूप में कार्य करता रहा, 1967 से लगा करके 2003 तक। इसमें लगभग 20 वर्ष मैंने बम्बई में जो हमारा सबसे बड़ा केंद्र है बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र, वहाँ बिताए और उसके बाद में उसी केंद्र की एक शाखा यहाँ इंदौर में खोली, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, उसमें मैं ट्रांसफर होकर के यहाँ आ गया। और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि इंदौर मेरा जन्म स्थान भी है, तो मैं वापस अपने जन्म स्थान आ गया यहाँ पर और यहीं से मैं 2003 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। 20 वर्ष मैंने जो बम्बई में बिताए वो मेरे लिए बड़े प्रेरणादायक वर्ष रहे क्योंकि बम्बई आप जानते हैं एक बड़ा वाइब्रेंट सिटी कहलाता है, मतलब वो हर जगह वहाँ पर मतलब कुछ न कुछ एक्टिविटी चलती रहती। मैं चूंकि रंगमंच से काफ़ी मेरा जुड़ाव था शुरू से ही, तो बम्बई में रंगमंच की गतिविधियाँ काफ़ी होती रहती हैं, हमेशा आज भी होती हैं। वहाँ हिंदी के नाटक, मराठी के नाटक, गुजराती नाटक और अंग्रेजी नाटक भी हमेशा होते रहते हैं। मराठी नाटक सबसे ज़्यादा होते हैं, हिंदी के और गुजराती नाटक भी काफ़ी होते हैं, हालांकि हिंदी के नाटक काफ़ी कम होते हैं, जैसे अंग्रेजी नाटक भी कभी कभी होते हैं। लेकिन जिस समय मैं वहाँ बम्बई में था तब मैंने जो हिंदी नाटक वहाँ देखे वो हिंदी नाटकों का एक उभरता हुआ काल था, मतलब और एक से एक बढ़िया हिंदी नाटक हमें वहाँ देखने को मिले। उस समय विजय तेंदुलकर, बादल सरकार, मोहन राकेश, इन सब के नाटक बड़े प्रसिद्ध हो रहे थे और नए नए नाटक आ रहे थे इनके नाटक, तो ये सारे नाटक मंचित होते थे वहाँ। और आप लोग शायद जानते होंगे पंडित सत्यदेव दुबे जी, वो इन लगभग सभी नाटकों के निर्देशक होते थे और उनके नाटकों में जो मुख्य पात्र होते थे वो थे अमरीश पुरी। अच्छा, तो अमरीश पुरी को मैंने कई बार नाटकों में देखा अभिनय करते हुए और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये सारे नाटक लगभग विश्व स्तरीय नाटक थे, मतलब आज भी अगर इन नाटकों को देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ नाटक देख रहे हैं हम। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उस समय हिंदी नाटक इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, तो नाटकों में दर्शकों की संख्या गिनी चुनी होती थी। मैंने कई बार देखा है कि इतना बढ़िया नाटक हो रहा है और हॉल के अंदर मुश्किल से 10 लोग हैं। एक बार तो मुझे मालूम है कि केवल 2 लोग ही थे, केवल एक मैं था और एक मेरा मित्र था, मतलब केवल 2 लोग ही थे दर्शक के रूप में और नाटक चल रहा था वहाँ। लेकिन तारीफ की बात यह है कि उन कलाकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दर्शक कितने हैं या दर्शक हैं भी या नहीं, उनको तो ऐसा लगता था कि नाटक करना है बस, और पूरी गंभीरता से और पूरी तल्लीनता से नाटक वो लोग करते थे। हमेशा 8:30 का टाइम रहता था रात को, उस समय शुरू हो ही जाता था नाटक चाहे दर्शक हो या ना हो, तो वो दौर एक स्वर्णिम दौर था हिंदी नाटकों का। मतलब बहुत पेशेंस कलाकार में एक संयम जो था। जी संयम बिल्कुल, और अपनी अपन जो भी कुछ कर रहे हैं उसके प्रति पूरी निष्ठा जी, पूरा विश्वास उनके अंदर था। वैसे आपने बताया मुंबई में इतने संयम वाले कलाकार थे, इंदौर में भी जब आपने शुरू किया 2017 से सूत्रधार को, 2007 से शुरू किया आपने, तो 2007 से जो जर्नी शुरू हुई सूत्रधार की, यहाँ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि कलाकार को ऑडियंस नहीं मिल रही है तो वो जी, जी, नर्वस भी हो जाते हैं थोड़े, तो मतलब कैसे उसको फिर आप लोगों ने मतलब समझाना भी पड़ता है कई बार, यंगस्टर होते हैं कलाकार यहाँ के, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी हमें कई बार ऐसे अवसर आए जब हमने देखा कि दर्शक बहुत ही कम संख्या में आते हैं जी। मुझे याद है जब 2007 में हमने इलाहाबाद से एक नाटक बुलवाया था असमंजस बाबू। अच्छा। ये सत्यजीत रे की कहानी थी और ये नाटक बड़ा मशहूर था, मतलब पूरे देश में तहलका मचा था। तो
तो मैंने उस अनिल रंजन भौमिक इसके निर्देशक थे उनको मैंने संपर्क किया और ये नाटक इंदौर में बुलवाया 2007 में पहली बार। और उसमें नाटक में मुझे देखकर दुख हुआ कि मुश्किल से 30-40 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा, जबकि मेरी उम्मीद थी कि इतने अच्छे नाटक को देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। तो इस तरह के अवसर आते रहते हैं, लेकिन मैंने देखा कि धीरे धीरे लोगों में एक रुचि जागृत होती है और उनको लगता है कि ये भी चीज देखने लायक है और इसको देखना चाहिए। तो आगे हमने देखा कि दर्शक जुड़ते गए और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पूरा हॉल भरा हुआ रहा और दर्शक खड़े खड़े भी देखने के लिए आए। आपका जो मुंबई का जो 20 साल का सफर रहा है, मुंबई में आप रहे, माया नगरी कहा जाता है, तो परमाणु ऊर्जा विभाग में काम करने के दौरान कई सारी चीजें हुई होंगी वहाँ भी, क्योंकि नाटक का शौक था आपको और वो फील्ड आपकी ऐसी ही थी कि आपको पूरा फोकस करना है, दोनों चीजों को कैसे मैनेज किया आपने? एक शौक था, एक आपका पैशन था, एक प्रोफेशन था। जी जी जी, नहीं ऐसा है कि ऑफिस आवर्स तो मतलब 8 घंटे के होते हैं जी, उसके बाद जो समय होता है वो तो सारा आपका होता है। अच्छा। और अगर आपने कुछ जुनून है, कुछ करने की इच्छा है या कोई आपके शौक की चीज है जिसे आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आदमी किसी न किसी तरह से वक्त निकाल ही लेता है। तो काफी समय मिलता था, हालांकि बॉम्बे में मतलब काफी दूरियां होती हैं। मुझे मालूम है कि जब मैं नाटक देखने जाता था पृथ्वी थिएटर में या तेजपाल हॉल में जो ग्रांट रोड स्टेशन के सामने था तेजपाल हॉल, तो वहां जाने के लिए मतलब मुझे 2 बसें लेनी पड़ती थी, फिर एक ट्रेन की यात्रा करनी पड़ती थी और उसके बाद में फिर कम से कम आधे घंटे का पैदल सफर भी करना पड़ता था। तो वहां पहुंचने के लिए कम से कम 2 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता था। लेकिन जुनून है जिसको कहिए मतलब वो तो आदमी पहुंच ही जाता हर जगह में। एक जब आपने सूत्रधार को इंदौर में शुरू किया, उस दौरान क्या आपके दिमाग में था कि क्या सोच के आप सूत्रधार को लाए? सूत्रधार को शुरू करने की एक छोटी सी कहानी है जी। वो ये है कि जब मैं इंदौर आया 1985 में, हालांकि जब मैं इंदौर में नहीं था 1985 से पहले, तब यहाँ हिंदी के रंगमंच की अति अच्छी गतिविधियां होती थी। एक संस्था थी बड़ी अच्छी प्रयोग, डॉक्टर सतीश मेहता जी, वो काफी सक्रिय थे और काफी अच्छे से नाटक उन्होंने किए, लेकिन बाद में वो भोपाल चले गए और अभी भी मेरे ख्याल से साल भर पहले ही उनकी डेथ हुई है। तो लेकिन मैंने ये नाटक देखे नहीं क्योंकि मैं उस समय बॉम्बे में था। तो जब मैं वापस आया तब मैंने देखा कि उस समय हिंदी के नाटक लगभग नहीं हो रहे थे इंदौर में, यदा कदा कभी साल भर में एक आध कोई नाटक हो जाता था रवि नाटक गृह में, बाकी और कोई हाल थे भी नहीं। जबकि मैं उस समय देख रहा था कि इंदौर में एक मराठी लोगों की संस्था है, आप जानती हैं अच्छी तरह से, सब लोग जानते हैं जी, जी। जो अपने सदस्यों के लिए महाराष्ट्र से मराठी नाटक इंदौर बुलवाते हैं और एक एक नाटक के 5-5 शो होते हैं जी। तो मुझे सचमुच ये देख करके बड़ी जलन होती थी। मुझे लगता था कि जब मराठी लोगों को मराठी नाटक देखने को घर बैठे मिलते हैं जी। तो हिंदी भाषी लोगों को हिंदी नाटक देखने को क्यों नहीं मिले, जबकि मुझे मालूम था कि हिंदी नाटक देश भर में बड़े अच्छे अच्छे हो रहे हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश में और बिहार में, दिल्ली में बड़े अच्छे अच्छे हिंदी नाटक हो रहे थे, लेकिन उनको हम देख ही नहीं सकते। कभी कभी भारत भवन में हम जाकर के देख सकते हैं, लेकिन इंदौर में नहीं। तो मुझे लगा कि एक कोई संस्था शुरू की जाए और उस संस्था के अंतर्गत हम बाहर से अच्छे अच्छे हिंदी नाटकों को यहाँ बुलवाएं। तो मैंने काफी बड़े बड़े लोगों से संपर्क किया उस समय और उन्होंने अपनी मन की बात बताई कि हम इस तरह की संस्था बनाएं और नाटकों को बुलवाएं। तो सबने कहा कि हाँ, बड़ा अच्छा विचार है, बड़ा अच्छा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन कंक्रीट रूप से किसी ने कोई सहयोग नहीं दिया। उसी दौरान मुझे याद है 27 मार्च 2007 विश्व रंगमंच दिवस होता है 27 मार्च को, तो भारत भवन भोपाल में 7 दिन का एक नाट्य उत्सव था, मैं उसे देखने के लिए गया था। मैंने लगभग पूरे 7 दिन नाटक देखे वहां और अंतिम दिन जो नाटक हो रहा था वो विजय तेंदुलकर का कमला नाटक था और वो नाटक मुझे इतना अच्छा लगा। उस नाटक के निर्देशक जावेद सिद्दीकी मेरे पास ही बैठे हुए थे, मेरे मित्र थे वो। मैंने उनसे कहा, जावेद भाई ये नाटक तो बड़ा अच्छा है यार, इसको तो इंदौर में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप करवाइए,
मैंने कहा जावेद भाई मैं तो कई लोगों से मिल चुका हूँ, कोई सहयोग देने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूँ मतलब। उन्होंने कहा व्यास जी अगर कोई आपके साथ में नहीं आता है तो आपको अकेले ही करना पड़ेगा। उनकी ये बात मेरे दिल में बैठ गई। मैंने कहा कि हाँ अगर करना है तो करेंगे, अपन ही करेंगे। तभी मैंने आकर के यहाँ इंदौर में वो सूत्रधार संस्था की स्थापना की, कुछ लोगों से संपर्क वगैरह किया और उस कमला नाटक को हमने यहाँ पहली बार, पहला नाटक वही था, 3 जून 2007 को जो एमजीए मेडिकल कॉलेज है उसके हॉल के अंदर हमने ये नाटक करवाया था और काफी बड़े दर्शक वर्ग उसमें आया था। हमने पहली बार इंदौर में 40 रुपए का टिकट भी रखा था इस नाटक के लिए, क्योंकि काफी खर्चा, भोपाल से कम 15 लोगों की टीम आई थी इसके अंदर, तो खर्चा तो होना ही। तो हालांकि कुछ लोगों ने पसंद नहीं किया कि टिकट क्यों, मतलब हम टिकट के बिना देखना चाहते हैं, ऐसे लोग वापस चले गए, बाकी अधिकतर लोगों ने टिकट लेकर के नाटक देखा। और उसके बाद से हमारी ये यात्रा अभी तक अनवरत रूप से जारी है और हम देश के लगभग हर कोने से, चाहे वो चेन्नई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, कलकत्ता हो, या वाराणसी हो, पटना हो, सब जगह से, मतलब हम भी हिंदी नाटक में बुलवा चुके हैं। वैसे आपने जब सूत्रधार की स्थापना की उसके बाद से कई सारी संस्थाएं उभरी हिंदी नाटक कराने के लिए, उज्जैन की भी संस्था है वो भी यहाँ अब नाटक करवाने लगी है। जी 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 बिल्कुल। और भी दूसरी संस्थाएं उभर कर आ रही, रंगमंच, क्या देख रहे हैं आप भविष्य में, रंगमंच का भविष्य कैसे, मतलब इंदौर में बड़ी अच्छी बात है कि इस समय कुछ युवा निर्देशक बड़े अच्छे अच्छे हैं और कलाकारों को भी एक काफी बड़ी संख्या यहाँ उपलब्ध हो गई है और ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं और कभी कभी बड़ी अच्छी प्रस्तुतियाँ देखने को मिलती है। हालांकि अधिकतर प्रस्तुतियाँ मैंने देखा है कि बड़ी सतही होती, मतलब जिसको बोलते हैं सुपरफिशियल, मतलब ऐसी होती है और निर्देशन की या उसमें कमी रहती है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे काम सुधर रहा है और काम अच्छा हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आगे और भी अच्छी। यहाँ जब आप बुलाते हैं संस्थान नाटक के लिए तो कई सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती होगी, क्योंकि आर्थिक रूप से भी हमें भी थोड़ी उनको मदद करनी पड़ती है। जी, 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 जी। तो उसके लिए सर फिर संस्था कैसे जुटाती है चीजें और लोगों को प्रमोट करने के लिए? एक बात तो ये है कि हमने सूत्रधार की सदस्यता शुरू की हुई है। अच्छा। हम अपने सदस्यों से 1000 रुपए सालाना लेते हैं जी। और इस समय हमारे करीबन 200 के करीब सदस्य हैं, तो कुछ तो हमें सदस्यता राशि के रूप में मिल जाता है। इसके अलावा अगर कोई बड़ा खर्चीला आयोजन हो तो उसके लिए हम कुछ मित्रों से मदद मांगते हैं और कुछ बड़े अच्छे लोग बाग हैं जो कि हमारे काम को सराहते हैं, हमारे काम को अच्छा समझते हैं और वो सहायता देते भी हैं, तो चल रहा है काम। मतलब हालांकि इसमें ये भी है कि हर साल लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये मुझे अपनी पेंशन राशि में से देना पड़ते हैं, लेकिन चलता है, मतलब अच्छा काम चल रहा है, मतलब कोई समस्या नहीं। तो आपने सुना सत्यनारायण व्यास जी को, उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग में काम करते हुए भी अपने शौक को पूरी तरह से जिया है और रंगमंच जैसी विधा को इंदौर में आगे बढ़ाने के पूरे प्रयास किए हैं, उन्होंने दिल से कोशिश की है। दोस्तों इस बात को ये साबित करता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपके मन में भी कोई शौक है, आप भी कुछ करना चाहते हैं, तो निराश मत होइए और देखिए रंगमंच से भी जुड़ सकते हैं आप और आपकी अपनी पसंदीदा किसी भी फील्ड से जुड़ सकते हैं। ऐसे ही अच्छी और योग्य बातों को जानने के लिए सत्यनारायण व्यास जी से भी जुड़ सकते हैं, वो आपको मार्गदर्शन देंगे रंगमंच से जुड़ने के लिए। उनसे और दिलचस्प बातें जानने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से, हकीकत की कहानी से।